एक जमाने का जिक्र है। एक गरीब बेवा अपने बेटे के साथ रहा करती थी। उसका बेटा जैक काम नहीं करता था क्योंकि वो बहुत आलसी था। इसी वजह से उनके पास पैसे नहीं थे। माँ, खाने के लिए कुछ है? मुझे भूख लगी है। दिन गुजरते गए और वो लोग और गरीब होते गए। एक वक्त आया कि उन्हें अपनी गाय मिल्क वाइट बेचनी पड़ी क्योंकि वो उसे खिला नहीं पा रहे थे। जैक की माँ ने उससे कहा कि गाय को बाजार ले जाकर सबसे अच्छे पैसों में बेचना। उसके बाद शायद वो खाने के लिए कुछ खरीद पाते। बाजार जाते वक्त जैक को एक अजीब दिखने वाला बूढ़ा आदमी दिखा। उस बूढ़े आदमी ने गाय की तरफ देखा और जैक से कहा, कैसे हो मेरे बच्चे? अगर तुम मुझे अपनी गाय दे दोगे तो मैं इसके बदले में तुम्हें काफी कीमती चीज दूंगा। जैक ये सुनकर काफी खुश हुआ। बूढ़े आदमी ने 5 बीन्स अपनी जेब से निकाले। ये तो बीन्स हैं। ये जादुई बीन्स हैं। जैक को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ, पर उस बूढ़े इंसान ने कहा, सुनो मेरे बच्चे, तुम एक अच्छे और तेज लड़के हो। ये जादुई बीन्स ले लो, तुम्हें अफसोस नहीं होगा, मुझ पर यकीन करो। जैक ने उसकी बात मानी और उन जादुई बीन के बदले उसने उस बूढ़े आदमी को वो गाय दे दी। अपना काम करने से खुश होकर जैक फौरन से अपने घर की तरफ निकल पड़ा। माँ, माँ देखो मैं क्या लाया हूँ। जैक को इतना खुश देखकर उसकी माँ को ये लगा कि वो गाय को बहुत ही अच्छे दाम पर बेच के आया है। जब जैक ने अपनी माँ को जादुई बीन्स दिखाई तो वो नाराज हुई। उसने उस जादुई बीन्स को गार्डन में फेंक दिया और जैक को अपने कमरे में जाने के लिए कहा। तुम अपने कमरे में ही रहोगे जब तक मैं तुम्हें बाहर आने के लिए नहीं बोलती। आज तुम्हें कोई खाना नहीं मिलेगा। सुबह जैक ने अपनी खिड़की से बाहर झांका तो वो हैरान हो गया। उसके कमरे की खिड़की से उसने देखा कि एक पौधा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये ना तो कोई मामूली पेड़ था ना कोई फूल, ये जादुई बीन का पेड़ था। जैक ने उस जादुई बीन के पेड़ पर छलांग लगाई। उसके टेढ़े मेढ़े पत्तों पर सीढ़ियों की तरह चढ़ने लगा। कुछ देर चढ़ने के बाद उसने अपने आप को एक अजीब जगह पाया। वहां सब कुछ बड़ा था। उसने एक फूलों से भरा रास्ता देखा जिसके किनारे पे एक बड़ा सा घर था। जैक घर की तरफ पहुंचा और उसने दरवाजा खटखटाया। एक बड़ी सी औरत अंदर से बाहर आई। मैं आपसे पूछने वाला था कि आपके पास कुछ खाने के लिए होगा क्या? हाँ है, पर मेरे शोहर के आने से पहले तो मैं यहाँ से जाना होगा। मेरे शोहर को छोटे बच्चे बहुत पसंद हैं, वो उन्हें खा जाता है। जैक बहुत डरा हुआ था लेकिन वो भूखा भी था। जैसे ही वो कुछ खाने के लिए टेबल पर बैठा उसने सुना कि कोई बाहर गहरी आवाज में बात कर रहा था। मुझे बच्चे की खुशबू आ रही है, कच्चा या पक्का कुछ भी चलेगा, आज मैं उसे ढूंढ के ही दिखाऊंगा। उस औरत ने जैक को आवाज दी, अभी के अभी ओवन में जाके छुप जाओ, जल्दी जाओ। जैक ओवन में जाकर छुप गया। वो दरिंदा किचन में जाकर सूंघने लगा। मुझे बच्चे की खुशबू आ रही है। अरे आप क्या कह रहे हैं? शायद आपको उस गोश्त की खुशबू आ रही है जो मैंने कल बिल्ली को खिलाया था। खाना खाने के बाद वो दरिंदा अपने सोने के सिक्के गिनने लगा।
कुछ देर बाद वो गिनते गिनते थक गया और सो गया। जैक अवन से बाहर आया और उसने सोने के बैग को लिया। उसने बैग को बीन के पेड़ के नीचे फेंका और वो पेड़ से नीचे उतरने लगा। उसने सोने के बैग को उठाया और घर के अंदर भागते हुए चला गया। जैक की माँ ने सोने को देखा तो वो बहुत खुश हुई। उस दिन के बाद वो कभी गरीब नहीं रही। लेकिन कुछ महीनों बाद जो कुछ भी सोने का उनके पास था वो सब खत्म हो गया था। जब और कोई रास्ता नहीं था, जैक फिर से बीन के पेड़ पर चढ़कर उस दरिंदे के घर पहुंचा। पिछली बार जब तुम यहाँ आए थे तो हमारा सोने का बैग चोरी हो गया था। पर फिर भी उसने जैक को प्यार से अंदर बुलाया। थोड़ी ही देर में दरिंदा घर पहुंचा। मुझे बच्चे की खुशबू आ रही है, कच्चा या पक्का कुछ भी चलेगा। आज मैं उसे ढूंढ के ही दिखाऊंगा। दरिंदे की आवाज सुनते ही जैक अवन में जाकर छुप गया। खाना खत्म हो जाने पर दरिंदे ने अपनी बीवी को मुर्गी लाने को कहा। जब बीवी मुर्गी लाई उसने उस मुर्गी को अंडा देने को कहा। जैक को ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि उस मुर्गी ने सोने का अंडा दिया। और जब दरिंदा वहां से चला गया, जैक अवन के बाहर आया और उसने मुर्गी को उठाया और अपने घर की तरफ भागने लगा। सोने के अंडों की वजह से जैक और उसकी माँ फिर से अमीर हो गए थे। पर कुछ दिनों बाद जैक ने फिर से अपना लक आजमाने की कोशिश करी और वो बीन के पेड़ पर चढ़ गया। इस बार वो दरिंदे के घर में चुपके से घुस गया। दरिंदे की बीवी से छुपते हुए वो एक बड़ी सी चाय की केतली में जाकर छुप गया। थोड़ी ही देर बाद दरिंदा आया। मुझे बच्चे की खुशबू आ रही है, कच्चा या पक्का कुछ भी चलेगा। आज मैं उसे ढूंढ के ही दिखाऊंगा। इस बार दरिंदे की बीवी ने जैक को पकड़वाने का फैसला किया। अगर कोई बच्चा है तो शायद अवन में होगा। जैक कहीं और छुपा था। दरिंदे और उसकी बीवी ने सारा घर छान लिया पर उन्हें बच्चा नहीं मिला। खाने के बाद दरिंदे ने सोने की एक और चीज टेबल पर रखी और उसे बजाने का हुक्म दिया। थोड़ी ही देर में दरिंदा सो गया। इस बार जैक को ये चीज किसी भी तरह हासिल करनी थी, इसलिए वो दरिंदे के घुटनों से चलता हुआ टेबल पर जा पहुंचा। पर कुछ ऐसा हुआ जो वो सोच भी नहीं सकता था। दरिंदा उठ गया। जैक ने उस चीज को अपनी कमर पर रखकर टेबल से छलांग लगाई। दरिंदा उसके पीछे पीछे भागने लगा। जैक बीन के पेड़ से तेजी से उतरने लगा और दरिंदा उसके पीछे। जब वो घर पहुंचा, जैक ने अपनी माँ को बुलाया। माँ जल्दी और कुल्हाड़ी भी साथ लाना। उन्होंने बीन के पेड़ को काटना शुरू किया। आखिर उन्होंने बीन के पेड़ को काट दिया और दरिंदा जोर से जमीन पर नीचे गिर गया। वो दोनों उस दरिंदे से बच गए थे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम महफूज हैं। वो लोग ठीक थे
पर जैक को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। वो अपने लालच की वजह से आज अपनी जान खो बैठता। उसने अपनी माँ से वादा किया कि वो कभी भी चोरी नहीं करेगा और कल से बहुत मेहनत करेगा। उस दिन के बाद जैक और उसकी माँ कभी भी गरीब नहीं रहे। उनकी मदद के लिए उनके पास सोने की मुर्गी अभी भी थी। पर जैक ने भी काम करना नहीं छोड़ा। बहुत सालों पहले एक भाई बहन की जोड़ी थी, हैंसल और ग्रेटल। जब वो बहुत छोटे थे, उनकी माँ का इंतकाल हो चुका था। वो अपने पापा के साथ जंगल के एक झोपड़े में रहते थे। उनके वालिद पैसे कमाने के लिए लकड़ी काटते थे। काम और बच्चों की देखभाल के बीच में तंग आके उन्होंने दोबारा शादी करने का फैसला किया। उनकी नई बीवी बहुत अमीर घर से थी। उसको ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि वो एक झोपड़ी में रहती है, और उसे अपने सौतेले बच्चों से बहुत नफरत थी। सर्दियों की एक रात सोने से पहले हैंसल और ग्रेटल को कुछ आवाज आई। उनकी नई माँ उनके वालिद से कुछ कह रही थी। सर्दियों में गुजारा कैसे करेंगे? खाने का सामान कम पड़ेगा। इन बच्चों को निकालो वरना हम सब मर जाएंगे। हैंसल और ग्रेटल के वालिद चिल्लाने लगे। मुंह बंद रखो तुम। मैंने फैसला कर लिया है, कल इन्हें कहीं दूर जाके छोड़ देंगे। ये सुन के ग्रेटल रोने लगी। हैंसल ने उसे चुप कराया। तुम परेशान ना हो ग्रेटल, हम कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे। उस रात हैंसल बाहर जाकर बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर अपनी जेब में रख कर ले आया। अगली सुबह वो सब घर से दूर जाने लगे। उनके वालिद ने बताया कि वो पिकनिक पर जा रहे हैं। चलते चलते चुपके से हैंसल पत्थर गिराते हुए चल रहा था। शाम होते होते बॉनफायर जला के उनके वालिद और सौतेली माँ वहाँ से निकल गए, ये कह के कि थोड़ी देर में आ रहे हैं, पर वो वापस कभी नहीं आए। रात होते ही जंगली जानवरों की आवाजें पूरे जंगल में गूंजने लगी। ये सब सुन सुन के हैंसल और ग्रेटल वहीं आग के पास ही बैठे रहे जब तक के चांद नहीं आया। अब वो उनके डाले हुए पत्थरों की मदद से घर की तरफ जाने लगे। बहुत अच्छे हैंसल, कितने समझदार हो तुम। जब दोनों घर पहुंचे तो उनके वालिद हैरान हो गए पर खुश भी थे, और माँ ऐसा दिखा रही थी कि वो खुश है पर वो नाटक कर रही थी। वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। 3 दिन बाद उनकी माँ ने उनसे वापस पीछा छुड़ाने की कोशिश की। इस बार उन्होंने रात को दोनों के दरवाजे बंद कर दिए ताकि हैंसल फिर से पत्थर उठाने ना जा पाए। पर हैंसल बहुत समझदार था। अब की बार जाते हुए उसने ब्रेड के टुकड़े अपनी पॉकेट में रख लिए और उनकी निशानी बनाता गया। दोपहर को बहाने से उनकी माँ और वालिद चले गए फिर से इन दोनों को छोड़ के। उनके आने की उम्मीद जब खत्म हुई, हैंसल और ग्रेटल सूरज डूबने से पहले निकल गए। पर अब की बार उन्हें ब्रेड के निशान नहीं मिले, क्योंकि सारा ब्रेड तो चिड़िया चुग गई थी। ग्रेटल रो रही थी और हैंसल भी परेशान था, और अब ये दोनों खो गए, ना खाना ना पीना, और जान को भी खतरा था। वो 3 दिन यूं ही घूमते रहे। 3रे दिन
उनको एक सफेद रंग की चिड़िया दिखी। उसने इनको गा के सुनाया। वो उस वक्त अपनी भूख भूलकर उस चिड़िया के पीछे जाने लगे और पीछा करते हुए पहुंचे एक अजीब से घर के बाहर। इस घर की दीवार ब्रेड से बनी हुई थी, छत केक की और खिड़कियां बनी थी कैंडी से, और सब तरफ क्रीम ही क्रीम। हैंसल और ग्रेटल खुशी के मारे रुक ना पाए। सारी थकान भूलकर वो उस घर की तरफ भागने लगे। जैसे ही वो उससे कुछ खाने के लिए गए, अंदर से एक आवाज आई। अरे कौन काट रहा है मेरे घर को? उनको दरवाजे पर एक बहुत प्यारी सी दादी माँ दिखी। उन्होंने उन्हें सारी कहानी बताई, तो उन्होंने उन दोनों को अंदर बुला लिया। घर जैसा बाहर था, वो अंदर बिल्कुल वैसा नहीं था। अंदर बिल्कुल अंधेरा था और बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। पर भूख से परेशान उन दोनों ने ज्यादा सोचा नहीं। उस औरत ने उन्हें तरह तरह की चीजें खिलाई, ऐसी चीजें जो उन्होंने पहले कभी नहीं खाई थी। और रात को जिस बेड पर वो सोए, वो बहुत नरम था। सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि वो औरत गायब है। वो दोनों उस औरत को ढूंढने लगे। वहां उन्हें एक छोटा सा दरवाजा दिखा। अंदर गए तो पूरा कमरा खजाने से भरा हुआ था। दोनों हैरान हो गए। हैंसल और करीब से देखना चाहता था। तभी एक आवाज आई। क्यों जी, क्या कर रहे हो? दोनों घूमे और एक चुड़ैल को सामने देखा। मालूम हुआ कि वो औरत एक चुड़ैल थी जो इन बच्चों को अपने साथ ले जाने के लिए ललचा रही थी। उन्होंने भागना चाहा पर दरवाजा बंद हो गया। चुड़ैल ने हैंसल को बालों से पकड़ा और एक पिंजरे में डाल दिया। ग्रेटल को वो घसीटते हुए किचन में ले आई। तुम्हारा भाई बहुत दुबला है, उसे मोटा करने के लिए खाना बनाना है तुमने। गोल मटोल होगा तो मुझे उसे खाने में मजा आएगा, पर तुम कुछ मत खाना, सिर्फ वही खाएगा। जाके खाना बनाओ। ग्रेटल को उसकी बात माननी पड़ी। हैंसल था तो समझदार, उसने एक तरकीब सोची चुड़ैल को चकमा देने के लिए। हर रात जब चुड़ैल सोती थी तो हैंसल पिंजरे के नीचे जमीन में एक गड्ढा खोदता था। चुड़ैल हर सुबह देखती थी कि हैंसल मोटा हुआ या नहीं। हैंसल कुछ भी नहीं खा रहा था, बल्कि सारा खाना उस गड्ढे में डाल रहा था। दूसरी तरफ चुड़ैल ग्रेटल से और खाना बनाने का कह रही थी। कई दिनों तक यही चलता रहा। मोटा हो दुबला हो, आज तो मैं इसे खा ही जाऊंगी, उसने ग्रेटल से कहा। ओवन में देखो जरा, आटा पका के नहीं। वो डरी हुई थी, पर ग्रेटल अपने भाई जैसे समझदार भी थी। वो समझ गई कि चुड़ैल उसे ओवन में धक्का देने वाली है। मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आटा भी दिखाई नहीं दे रहा, ग्रेटल ने ऐसा कहा। चुड़ैल ने खुद अपना सर अंदर डाला। मौका मिलते ही ग्रेटल ने सारी ताकत लगाकर चुड़ैल को अंदर डाल दिया और उसका दरवाजा बंद कर दिया। ग्रेटल को ये पता था कि चाबी कहाँ रखी है। वो फटाफट गई और हैंसल को निकाला। अवन से आग निकल के पूरे घर में फैल चुकी थी।
वो दोनों वहाँ से निकल के जंगल की तरफ भागे। पर कहाँ जाना है ये उन्हें भी नहीं मालूम था। कुछ देर बाद उन्हें एक नदी दिखी। एक बड़े से बत्तख ने उन्हें वो नदी पार कराई। उन्होंने इधर उधर देखा तो उन्हें मालूम पड़ा कि वो कहाँ हैं। वो भागते भागते घर पहुंचे। बच्चों को देखकर उनके वालिद बहुत खुश हुए। रोते रोते उन्होंने बताया कि उन दोनों को जंगल में छोड़ के आने की कुछ दिनों बाद ही उनकी माँ अपने मायके चली गई और उन दोनों को कितना ढूंढने की कोशिश करी पर वो मिले ही नहीं। दोनों बच्चे अपने वालिद से इतना प्यार करते थे कि उन्होंने सब कुछ भुला दिया। पर वो अपने वालिद के लिए एक सरप्राइज लाए थे। उन्होंने अपनी जेब से बहुत सारे हीरे और मोती निकाले जो उन्हें उस चुड़ैल के घर से मिले थे। उनके वालिद ये देखकर बहुत हैरान हो गए। उनके घराने को फिर कभी किसी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ा और वो खुशी खुशी रहने लगे।